ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कठुआ की तरफ से की जा रही है। जैसे कि हमने देखा कि कल कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का विरोध किया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ देव है। हनुमान जी को उनका अपमान किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जो तुलना है वो सीधा ही भगवान हमारे जो आराध्य देव हैं हनुमान जी उनके साथ कर दी, जो हमारे हिंदू धर्म में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को बजरंग बली जी का भक्त कहते हो तो उनके जो नक्शे कदम हैं उस पर भी चलिए। हम आपको बताते हैं कि उनके क्या नक्शे कदम थे और हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है और आपको क्यों कहा जाता है कि बैन किया जाए, क्योंकि हनुमान जी की अगर आप पढ़ेंगे इतिहास तो हनुमान जी ने केवल एक माता सीता का हरण हुआ था तो पूरी लंका का दहन कर दिया था। लेकिन बड़े शर्म की बात है, ये हमारे देश की बेटियां जो हमारा गौरव है, जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई थी और भारत के झंडे को ऊंचा किया था, ये जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं और फूट फूट कर रो रही हैं क्योंकि किसी रावण ने इनको जो है जोन उत्पीड़न का ये इन्होंने आरोप लगाया है कि किसी रावण ने हमें परेशान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस रावण के खिलाफ कब ये जो हिंदू संगठन है विरोध करेंगे? आपके विरोध का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, हमें पता है कि लोकतंत्र में विरोध का जो है स्वागत किया जाता है, लेकिन उस रावण के खिलाफ जिस रावण पे इन हमारी देवियों ने आरोप लगाया है उसके खिलाफ कब किया जाएगा? आप अपने आप को बजरंग बली के भक्त कहते हो, आप अपने आप को बजरंग बली मानते हो, तो बजरंग बली जी की तरह कार्य भी करके दिखाओ, साहस दिखाओ, जाओ उस ब्रिज भूषण का विरोध करो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि FIR लगाई जाए। क्या कि ये जो हिंदू संगठन है इनके मुंह में दही जम गया है कि ये नहीं जाएंगे? पूरा हिंदुस्तान आप जाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे जाके इन बेटियों का जो है समर्थन कर रहे हैं, वो असली हिंदू हैं, उनको हिंदू कहा जाता है। केवल एक पार्टी के लिए आप आगे आके हमारे जो आराध्य देव हैं हनुमान जी उनका अगर अपमान करोगे अपनी तुलना उनके साथ करके, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ तमाम उन कार्यकर्ताओं से, तमाम उन संगठनों से और अपने भी हिंदू लोगों से कि हम ये आने वाले मंगलवार को सुबह 8:30 बजे शहीदी चौक में जो है हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। और इन संगठनों से भी ये अपील करता हूँ कि ये संगठन उस जिस दिन हमने जाप रखा हुआ है वहाँ आए और हमारे साथ बैठ के जाप करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो संकट मोचन हैं, बड़े से बड़ा संकट जो है हनुमान जी की पूजा करने से टल जाता है। आज संकट है बेरोजगारी का, बेरोजगार युवाओं पे संकट आ चुका है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उस जो संकट को टालने के लिए शहीदी चौक में हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। क्या ये कार्यकर्ता वहाँ पे आएंगे? मैं इनको पूछना चाहता हूँ। और हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो जिस प्रकार से नीचे गिर रही है, उस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसके ऊपर जो संकट आया हुआ है हनुमान जी का जाप किया जाएगा। और हमारे जो ये तमाम जो हमारे लोगों पे हमारे महंगाई का जो हमारे लोगों पे संकट छाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, उस संकट को टालने के लिए हनुमान जी का जाप किया जाएगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने देखा TV में कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर भी एक डिग्री का कोई संकट छाया हुआ है, हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि हनुमान जी उस संकट को भी टाल दें, क्योंकि जगह जगह वो डिग्री के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, मैंने कहीं देखा सोशल मीडिया पे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश का नाम ऊंचा करें, कि यो उनके ऊपर ये एक संकट छाया हुआ है डिग्री का वो भी टल जाए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे शहीदी चौक में भी मैंने देखा कि पिछले दिनों एक संकट छाया हुआ है कि शहीदी चौक का नाम शराबी चौक डालने का जो एक आवाज़ उठ रही है उस संकट को भी टाला जाए, क्योंकि ना तो कोई भी मैंने सनातन की किसी किताब में पढ़ा ना ही हनुमान जी की किसी नाटक में ये देखा कि शराब को प्रमोट किया जा रहा हो या शराब की ये जो मदिरे की दुकानें हैं इनको खोलने की बात की जाए। ये संगठन आए हिंदुओं के लिए, हम भी आएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन इन तमाम जो संकट छाए हुए हैं जो हमने बताए मीडिया में इनके खिलाफ आके ये जाप करें। और हम ये आस्था भी है हमारी कि हनुमान जी ये संकट सारे टालेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार देंगे, हमारा जो ये जो महंगाई है इससे भी हमें निजात मिलेगा, और ये जो रावण जिस रावण की वजह से ये हमारी बेटियाँ जंतर मंतर पर रो रही हैं इनको भी
इंसाफ मिलेगा। आइए उस हनुमान जी का जाप करें और हिंदुओं का सम्मान बढ़ाएं। उस दिन मैं से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि हमारे हिंदुओं का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे आराध्य देव का मजाक बनाया जा रहा है, अपनी तुलना हनुमान जी से की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब गोवा में आपके मनोहर पर्रिकर जी श्री राम सेना पे बैन लगाते हैं, तब ये संगठन कहाँ होते हैं? क्या श्री राम सेना पे बैन लगाने का मतलब ये है कि हमारे श्री राम जी पे बैन लगा दिया? हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि प्रभु की तुलना हम किसी दल से नहीं कर सकते। प्रभु हमारे पूजनीय हैं और दल सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए है। हम ऐसी सोच नहीं रखते, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। हमने इसलिए कभी विरोध नहीं किया, अगर करना होता तो प्रभु श्री राम सेना पे, जब इन्होंने जिस दिन श्री राम सेना पे वो बैन लगाया था तो कहा जा सकता था कि उस दिन प्रभु श्री राम पे बैन लगा है, लेकिन नहीं, हमें पता है कि वो पूजनीय है, ये एक दल है। और अगर आपने विरोध करना है तो गोवा में जाके उसका भी विरोध करिए कि श्री राम जी को क्यों भी आपने बैन लगाया हुआ है। केवल हमारे हिंदुओं की आस्था को भड़का के आप राजनीति नहीं कर सकते। अब हिंदू जाग चुका है, आप कहते हैं कि हम हिंदू को जगाना चाहते हैं, आज हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू करेगा जाप रोजगार के लिए, अब हिंदू करेगा जाप अपनी ये महंगाई से जो निजात लेने के लिए करेगा, अपने देश की तरक्की के लिए जाप करेगा। आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आइए, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, उस दिन आइए और अपना हिंदुत्व दिखाइए और उस रावण के खिलाफ भी चार शब्द बोलिए जिस रावण की वजह से ये देश की गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां बैठी हुई हैं, क्योंकि हनुमान जी ने सीता माता के लिए पूरी लंका जला दी थी। अब आपका देखना है कि आप किस प्रकार उस रावण का जो है उसकी लंका का दहन करते हो। यही अपील है, यही हमारा जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। जय हिंद जय भारत। विश्व मोहता जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कल ही जो है वो शहरी चौक में तीसरी वाइन शॉप खोले जाने का विरोध किया गया था, लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए और पूरी रात भर वहाँ बैठे और वहीं मजबूरन अपने अधिकारियों को जो है वो एक ऑर्डर निकालना पड़ा उस वाइन शॉप को शिफ्ट करने का। लेकिन उसके साथ साथ कुछ दर्जनों लोगों पर जो है वो मामला भी दर्ज किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तो ये किसी हमारे लोगों पे मामला दर्ज किया गया है, उसको तो पहले मामले को वो है जो भी उन पे केस किया गया उसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया गया तो आने वाले समय में उसका विरोध भी किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी डिमांड थी बिल्कुल जेन्युइन थी। वहाँ पे वो उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक जैम लगता है, तो वो वाकई में वहाँ पे जैम लगता है, हमारी जनता को वहाँ से निकलने से वो है जो मुश्किल होती है, और हम सारे जो हैं उनके साथ हैं। वार्ड नंबर 5 के लोगों ने यो किया, बिल्कुल सही किया और सच्चाई बोली उन्होंने। अगर रही बात FIR की, मैं कहता हूँ मुझ में भी FIR लगा दो, मैं भी उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो शॉप नहीं खुलनी चाहिए जहाँ पे हमारी जनता, जब आप जीतते हो तो आप कहते हो कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब जीत जाते हो तो जनप्रतिनिधि से आप सीधा कैसे डिक्टेटरशिप पे आ जाते हो? आप जनता की आवाज़ को क्यों नहीं सुनते हो? क्यों जनता की आवाज़ को दबाया जाता है? और मैं इन हिंदू धर्मों से, हिंदू संगठनों से पूछना चाहता हूँ कि सनातन की एक किताब हमें भी बता दीजिए कि किस सनातन की किताब में लिखा है कि आप शराब की दुकान पर दुकान खोलते जाओ? कौन सी किताब है? हम भी पढ़ लें कि हमारी सनातन की किस किताब में ये लिखा हुआ था, हमारे सनातन धर्म को बदनाम मत किया जाए, नहीं तो हिंदू जा गया तो आपको यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी सनातन की किताब में ये नहीं लिखा। आपने केवल अपने लाभ के लिए, अपनी इनकम के लिए ये जो हमारे लोगों पे अपने फैसले थोप रहे हो, इन फैसलों को आप वापस ले लो। और अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके फैसले सही हैं, तो मैं लास्ट में फिर से यही कहता हूँ कि आप एक बार चुनाव कराइए। आप क्यों नहीं चुनाव करा रहे जम्मू कश्मीर में? चुनाव कराओ, पता चल जाएगा कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो। और जो हमारे लोगों पे अगर मुकदमा, ये मेरी नॉलेज में अभी बात आई है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, अगर ऐसा किया गया है तो उसका विरोध किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी उनके लिए तो हम लड़ेंगे। ये वार्ड नंबर 5 की लड़ाई नहीं है, ये कठुआ के पूरे वार्डों की लड़ाई है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर है उसका सवाल है। हम अपने बच्चों को इस दिशा की ओर नहीं जाने देंगे कि आप हमारे बच्चों को शराबी बना दो और हम आपके साथ चले। हम आपका विरोध करेंगे, जितनी FIR लगानी है लगा दो, एक FIR के दबाव से हम पीछे हटने वाले नहीं, एक छोड़ के अब 10 FIR लगाओ। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम जो है जनता की लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल सीना ठोक के लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत।